हेलो गाइस, आई एम वैशाली कीकान फ्रॉम डोपामीन और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वीएलएसआई टेक्नोलॉजी। इन वीएलएसआई टेक्नोलॉजी वी आर डिस्कसिंग द सीवीडी एंड डाइलेक्ट्रिक थिन फिल्म। ये टॉपिक डिस्कशन हमने ऑलरेडी पुरानी कुछ वीडियोस में की है। अगर अभी तक आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाइए पहले पुरानी वीडियोस देख आइए एंड देन कम टू दिस वीडियो। यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डाइलेक्ट्रिक सीवीडी प्रोसेसेस। हमने डायलैक्ट्रिक सीवीडी प्रोसेसेस को दो वीडियो में डिवाइड करा है, डायलैक्ट्रिक सीवीडी प्रोसेस वन एंड टू। तो ये प्रोसेस वन वीडियो है, यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन सी प्रोसेसेस हैं जिनको हम पढ़ेंगे फॉर द केमिकल पेपर डेपोजिशन, एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रोसेस इन दिस वीडियो, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सी प्रोसेसेस हैं जो हमें पढ़नी है फॉर द डायलैक्ट्रिक सीवीडी। सीवीडी फुल फॉर्म याद होगी, केमिकल वेपर डेपोजिशन। क्यों यूज होता है, इसके क्या क्या फायदे हैं, आई होप आपको याद होगा। नाउ द डाइलेक्ट्रिक सीवीडी प्रोसेस आर ऑफ वेरियस टाइप्स। तो बहुत सारी प्रोसेसेस हैं, आप यहाँ देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि हमारे पास कितनी सारी प्रोसेसेस हैं। फर्स्ट प्रोसेस इज थर्मल सिलेन सीवीडी प्रोसेस। यहाँ पर हम थर्मल वर्ड को जानते हैं जिसका मतलब होता है हीट, सिलेन के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं SiH4, और सीवीडी प्रोसेस केमिकल वेपर डेपोजिशन यूजिंग हीट एंड सिलेन, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, राइट। इसके बाद थर्मल TEOS सीवीडी प्रोसेस। थर्मल अगेन हम जानते हैं टेम्परेचर, TEOS, अगर आपको इसकी फुल फॉर्म नहीं याद आ रही है विच मीन्स आपने पुरानी वीडियोस ध्यान से नहीं देखी हैं, राइट। सो TEOS की बहुत सारे एडवांटेजेस भी हमने देखे थे, TEOS का स्ट्रक्चर देखा था। अगर नहीं याद है जाइए पुरानी वीडियोज देखाइए। Then we are going to talk about the plasma enhanced CVD processes. So plasma enhanced CVD में हमारे पास दो type की processes है जो हम पढ़ेंगे, plasma enhanced CVD silane process, plasma enhanced CVD TEOS process. इन दोनों को detail में discuss करेंगे। Then we are going to discuss dielectric etchback process. Dielectric etchback process होती क्या है, इसका क्या significance है, वो हम देखेंगे। Then we are going to discuss the ozone TEOS process. Ozone और TEOS का कम कॉम्बिनेशन जब हम करते हैं तो इसके क्या फायदे होते हैं, एडवांटेजेस होते हैं, और ओजोन का क्या सिग्निफिकेंस है यहाँ पर, वो हम देखेंगे, राइट। ऑब्वियसली नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्पिन ऑन ग्लास। स्पिन ऑन ग्लास क्या होता है और इसके क्या एडवांटेजेस हैं, इसका पूरा प्रोसीजर डिटेल में देखेंगे। एट लास्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट HDPE-CVD, हाई डेंसिटी प्लाज्मा केमिकल वेपर डेपोजिशन, जिसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो है, राइट। तो यहाँ पर ये एक पर्टिकुलर टॉपिक है जो थोड़ा बड़ा टॉपिक है और इसके ऊपर एक अलग से एक वीडियो है। सो हाई डेंसिटी प्लाज्मा सीवीडी के लिए आप नेक्स्ट वीडियो में जा सकते हैं। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ द सीवीडी विच इज थर्मल सिलेन सीवीडी प्रोसेस, राइट। सो सिलेन हमें पता है SiH4 है, राइट। थर्मल मीन्स हीट। सो अब प्रोसेस में क्या कर रहे हैं, हम SiH4 को ले रहे हैं, उसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। तो SiH4 जब 2O2 के साथ रिएक्ट करेगा SiO2 बना देगा और साथ में वाटर वेपर, राइट। सो सिलेन हैज बीन कॉमनली यूज्ड फॉर सिलिकॉन डाइऑक्साइड डेपोजिशन हेयर। तो हमने क्या यूज करा है यहाँ पर, सिलेन को यूज करा है जिससे हमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड मिल गया है। जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है ये सॉलिड फॉर्म में होगा और ये डिपॉजिट हो जाएगा। तो क्या हुआ है, बेसिकली सिलेन जो गैस था इसने सॉलिड बना दिया है और हमारे पास केमिकल वेपर डेपोजिशन हो गया है। अब ये दो प्रोसेस के थ्रू होता है, APCVD और LPCVD। पुरानी वीडियोस अगर अच्छे से देखे होंगे तो इनके फुल फॉर्म याद होंगे। APCVD मीन्स एटमोस्फेरिक प्रेशर केमिकल वेपर डेपोजिशन, और LPCVD मीन्स लो प्रेशर केमिकल वेपर डेपोजिशन। तो दोनों प्रोसेस से हम सिलेन से SiO2 बना सकते हैं और केमिकल वेपर डेपोजिशन करा सकते हैं, राइट। जो APCVD है यहाँ पर हम डाइल्यूटेड सिलेन को यूज करते हैं। अब सिलेन एक कॉस्टली सब्सटेंस है क्योंकि APCVD में हम डाइल्यूटेड सिलेन यूज कर रहे हैं, ऑब्वियसली सिलेन का अमाउंट कम हो जाएगा, एक कॉस्टली अमाउंट सब्सटेंस का अमाउंट कम है, विच मीन्स ये प्रोसेस थोड़ी लेस एक्सपेंसिव रहेगी देन द LPCVD। LPCVD में हम डाइल्यूटेड सिलेन को नहीं यूज करते, राइट, हम सिलेन को एज इट इज यूज करते हैं। तो LPCVD हमारा कॉस्टली होता है, लाइक LPCVD uses pure silane, और APCVD में 3% diluted silane हम use करते हैं nitrogen में, so only 3% silane is used, जिसकी वजह से cost significantly reduce हो जाती है
इन एपीसीवीडी। बस यहाँ पर चेंज क्या है, एपीसीवीडी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होता है और एलपीसीवीडी लो प्रेशर पर होता है, राइट। बट दिस इज नॉट कॉमनली यूज्ड इन द एडवांस्ड फैब्रिकेशन। एडवांस्ड फैब्रिकेशन में ये कॉमनली यूज नहीं होता है क्योंकि सिलेन के साथ कुछ ड्रॉबैक्स हैं जिनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ कमिंग टू द थर्मल टीईओएस सीवीडी प्रोसेस। नाउ जो टीईओएस है इसका आप स्ट्रक्चर जानते हैं, इट इज SiO(C2H5)4, राइट, टेट्रा इथाइल ऑक्सीसिलेन। सो यहाँ पर हमारे पास सिलेन सिलिकन है, सिलिकन के साथ OC2H5 के चार हमारे पास बॉन्ड्स बने हुए हैं, राइट। सिलिकन के चारों तरफ OC2H5 है। अब हाई टेम्परेचर है, थर्मल है, मींस हाई टेम्परेचर 700 डिग्री सेल्सियस पे जब इसे हीट करेंगे तो SiO2 बन जाएगा। SiO2 हमारा सॉलिड में बनेगा और इसके साथ जो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक्स बनेंगे वो उड़ जाएंगे, राइट। सो यहाँ पर जो प्रोसेस यूज होती है दैट इज फिज्योर्सॉर्प्शन। फिज्योर्सॉर्प्शन के थ्रू हम लोग ये SiO2 का केमिकल वेपर डेपोजिशन कर पाते हैं किसी भी सब्सटेंस के ऊपर। अब TEOS की जो सरफेस मोबिलिटी है वो ज्यादा रहती है, राइट, जिसकी वजह से यहाँ पर स्टेप कवरेज बेटर रहती है। सो दैट इज द बेसिक थिंग बिकॉज ऑफ विच इट इज यूज इन एडवांस फैब्रिकेशन। एडवांस फैब्रिकेशन में TEOS को प्रेफरेंस मिलती है देन सीलिन, राइट, क्योंकि TEOS फिल्म की स्टेप कवरेज बेटर है ड्यू टू हाई सरफेस मोबिलिटी ऑफ TEOS और यहाँ पर फिज्योर्सॉर्प्शन होता है। LPCVD TEOS डिसोशिएट हाई टेम्परेचर पर करता है जैसे कि 700 डिग्री सेल्सियस पे। नाउ वी कैन फॉर्म बोरोफॉस्फोसिलिकेट ग्लास विद TMB एंड TMP, राइट, टेट्रामिथाइल बोरेट एंड टेट्रामिथाइल फॉस्फेट के साथ हम बोरोफॉस्फोसिलिकेट ग्लास को यूज कर सकते हैं फॉर PMD। PMD फॉर्मेशन के लिए BPSG विद TMB और TMP को हम यूज करते हैं। यहाँ पर अगर हमें IMD बनाना है, IMD बनाना है केमिकल वेपर डेपोजिशन से, तो टेम्परेचर को हमें ज्यादा रखना पड़ेगा, टेम्परेचर विल बी टू हाई। नाउ कमिंग टू द PECVD सिलेन प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस क्या थी, PECVD सिलेन प्रोसेस। अब प्लाज्मा एनहांस्ड केमिकल वेपर डेपोजिशन हो रहा है और किसके साथ हो रहा है, सिलेन के साथ। अब यहाँ पर एक जो स्पेशल चीज है वो है कि हम यहाँ पर सिलेन को एज इट इज नहीं यूज करते, सिलेन को लाफिंग गैस के साथ यूज करते हैं जो कि N2O। सिलेन और लाफिंग गैस एक साथ यूज होते हैं और प्लाज्मा के अंदर क्या होगा, सिलेन और लाफिंग गैस दोनों डिसोशिएट हो जाएंगे। लाफिंग गैस डिसोशिएट होकर ऑक्सीजन फ्री रेडिकल बनाएगा और सिलेन डिसोशिएट होकर SiH2 बनाएगा। अब हमें पता है फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, फ्री रेडिकल्स हाईली रिएक्टिव होते हैं और रेडिकल्स विल रिएक्ट रैपिडली टू फॉर्म द सिलिकन डाइऑक्साइड। सो सिलिकन ऑक्साइड बनाते हैं और या सिलिकन डाइऑक्साइड या बहुत सारे सिलिकन के ऑक्साइड्स फॉर्म कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट फ्री रेडिकल्स डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शन में रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिलिकन के साथ ऑक्साइड्स बना देते हैं। जैसे यहाँ पर सिलेन है, लाफिंग गैस के साथ प्लाज्मा के प्रेजेंस में हीट के साथ जब रिएक्ट करता है तो यहाँ पर हमारे पास फ्री रेडिकल्स बनते हैं और फ्री रेडिकल्स कंबाइन करते हैं और SiOX HY बनाते हैं, राइट। इसके साथ कुछ वॉलेटाइल गैसेस जैसे H2O, N2O, NH3 एंड सम अदर वॉलेटाइल गैसेज आर फॉर्म जो कि वहां से हट जाती हैं, राइट, इवेपोरेट आउट हो जाती हैं। अगर हमें इस प्रोसेस को रोकना है, राइट, अगर हमारे पास CVD की प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो चुकी है और अब इस प्रोसेस को रोकना है, रोकने के लिए हम क्या करते हैं, N2O को ओवरफ्लो करवाते हैं, राइट। SiH4 का फ्लो जो है वो कंट्रोल हो जाता है, राइट। अगर एक प्रोसेस ट्यूब है उसमें SiH4 एक लिमिटेड अमाउंट में जा रहा है और N2O बहुत ज्यादा जा रहा है तो उस केस में क्या होएगा, इन दोनों का रिएक्शन कम हो जाएगा, राइट। इस तरीके से हम क्या करते हैं, N2O के ओवरफ्लो से हम SiH4 का फ्लो कंट्रोल करते हैं और जिससे कि हमारे पास डेपोजिशन रेट कंट्रोल हो जाता है, राइट, रिएक्शन कंट्रोल हो जाता है, रिएक्शन से डेपोजिशन रेट कंट्रोल हो जाता है। सो बेसिकली हम N2O का ही ओवरफ्लो करवाते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि हम SiH4 का ओवरफ्लो क्यों नहीं कराते हैं। सो द क्वेश्चन हियर कम्स, कैन वी ओवरफ्लो सिलेन एंड यूज नाइट्रस ऑक्साइड फ्लो रेट टू कंट्रोल डेपोजिशन रेट। क्या हम सिलेन को ओवरफ्लो करवा सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं करते हैं, थ्योरेटिकली ऐसा हो सकता है। प्रैक्टिकली अब ऐसा क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि एक तो सिलेन डेंजरस है, डेंजरस गैस है, प्लस एक ये चीज मैंने आपको पहले ही बताई थी कि सिलेन एक्सपेंसिव है, इट इज कॉस्ट नॉट कॉस्ट इफेक्टिव, राइट। अब
दो चीजें हैं इसके साथ कि एक तो ये डेंजरस हो गई है और एक ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। तो अगर हम इसका ओवरफ्लो करवाते हैं तो हमारी लाइफ को डेंजर हो सकता है, प्लस ऑलरेडी हम इसे अब प्रोसेस को एक्सपेंसिव बना रहे हैं, दोनों चीजें हम नहीं चाहते हैं। ओवरफ्लोइंग सिलेन विल क्रिएट अ बिग सेफ्टी हजार्ड। सेफ्टी हजार्ड क्रिएट हो सकता है, फायर एक्सप्लोजन क्रिएट हो सकते हैं, और साथ में सिलीन एक्सपेंसिव भी है देन नाइट्रस ऑक्साइड। सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस हम नाइट्रस ऑक्साइड का ओवरफ्लो करवाते हैं, कभी भी सिलीन का ओवरफ्लो नहीं करवाते हैं। नाउ कमिंग टू द पैसिवेशन। अब सिलिकन नाइट्राइड का फॉर्मेशन अगर हमें करना है, पैसिवेशन के लिए हम सिलिकन नाइट्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। अभी तक हमने क्या देखा है, सिलिकन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन देखा है, या सिलिकन के साथ ऑक्सीजन को ही रिएक्ट करवाया है, सिलिकन ऑक्साइड्स को हमने फॉर्म करवाया है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सिलिकन नाइट्राइड। सिलिकन नाइट्राइड किस लिए यूज करते हैं, ऐसा बैरियर लेयर यूज करते हैं। बैरियर लेयर क्यों यूज करते हैं, बिकॉज ये मॉइस्चर और मोबाइल आयन दोनों को कंट्रोल करता है, राइट। बैरियर फॉर्म करता है इन बिटवीन द चिप एंड द मॉइस्चर एंड मोबाइल आयन। मोबाइल आयन और मॉइस्चर को सिलिकन चिप की तरफ पहुंचने से रोकता है। अब जो पीई सीवीडी प्लाज्मा एनहांस्ड केमिकल वेपर डेपोजिशन से जो नाइट्राइड बनता है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, राइट। सो यहाँ पर जो डेपोजिशन टेम्परेचर है वो लो है, जैसे कि हमने ऑक्साइड में देखा था 700 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा था डेपोजिशन टेम्परेचर, यहाँ पर 450 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। डेपोजिशन रेट बहुत ज्यादा है यहाँ पर इन कंपेरिजन टू द ऑक्साइड। यहाँ पर सिलेन, अमोनिया और नाइट्रोजन जैसी गैसेज बनती हैं विच कैन बी फर्दर यूज्ड, राइट। तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सिलेन, राइट, सिलेन यूज करा हमने SiH4, इसके साथ नाइट्रोजन गैस और अमोनिया भेजा इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा एंड हीट। हीट कितना रहेगा, 450 डिग्री सेल्सियस अराउंड। तो यहाँ पर हमने नाइट्राइड फॉर्म कर लिया SiNxHy, इसके साथ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, अमोनिया जैसी गैसेस फॉर्म हो गई। यहाँ पर हमें गुड स्टेप कवरेज रिक्वायरमेंट रहती है, हाई डेपोजिशन रेट रिक्वायरमेंट रहता है, यूनिफॉर्मिटी बेटर होनी चाहिए और स्ट्रेस कंट्रोल होना चाहिए, राइट। तो सिलिकन नाइट्राइड के साथ ये सब हमारे पास कंट्रोलिंग पैरामीटर्स आ जाते हैं। नाउ कमिंग टू द पैसिवेशन डाइलेक्ट्रिक डेपोजिशन। अब पैसिवेशन के लिए हम नाइट्राइड का डेपोजिशन कर रहे हैं। अब नाइट्राइड के डेपोजिशन के लिए हमारे पास कुछ प्रोसेस स्टेप्स हैं। नाइट्राइड को हम चिप के ऊपर डायरेक्टली नहीं डिपॉजिट कर देते हैं, नाइट्राइड के डेपोजिशन के लिए पहले हम ऑक्साइड का डेपोजिशन करते हैं। ऑक्साइड का डेपोजिशन क्यों करते हैं, जिससे कि हमारे पास एक बफर लेयर आ जाए। नाइट्राइड की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, जैसे ही सिलिकन नाइट्राइड चिप के ऊपर आएगा उसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि चिप के ऊपर वो एक्सट्रीम स्ट्रेस प्रोवाइड करता है जिससे चिप ब्रेक हो सकती है, राइट। सो टू अवॉइड दैट स्ट्रेस व्हाट वी डू, हम बीच में एक छोटी पतली लेयर बनाते हैं ऑक्साइड की। तो सबसे पहले हम स्टेबलाइजेशन करते हैं, प्रेशर स्टेबलाइजेशन करते हैं अपनी प्रोसेस ट्यूब में, और हम ऑक्साइड डेपोजिशन करते हैं। ऑक्साइड डेपोजिशन टू एक्ट एज अ स्ट्रेस बफर फॉर नाइट्राइड। जो ऑक्साइड लेयर सिलिकन डाइऑक्साइड लेयर रहेगी, सिलिकन के कोई भी ऑक्साइड ले लीजिए, जो ऑक्साइड लेयर रहेगी वो स्ट्रेस बफर की तरह यूज होगी, राइट। इसके बाद हम पंप को यूज करते हैं, राइट, हम पंप यूज करते हैं और फिर से स्टेबलाइजेशन करवाते हैं, फिर से प्रेशर स्टेबलाइजेशन होता है सेकेंड प्रोसेस के लिए। अब सेकेंड प्रोसेस क्या है, नाइट्राइड डेपोजिशन। नाइट्राइड हमारी जो पैसिवेशन लेयर की तरह एक्ट हो रही है उसका डेपोजिशन करवाते हैं, राइट। इसके बाद हम प्लाज्मा पर्जिंग करवाते हैं। प्लाज्मा पर्जिंग क्यों करवाते हैं, जिससे कि हमारा SiH4 एलिमिनेट हो जाए, और SiH4 एलिमिनेट होने के बाद हम एंड पॉइंट की तरफ मूव कर पाते हैं, और फिर से हम पंपिंग कर देते हैं, फिर से हमारा प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। नाउ कमिंग टू द ईपी रोम पैसिवेशन डायलैक्ट्रिक। नाउ इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इज ईपी रोम, राइट। सो ईपी रोम में क्या होता है कि हमें यूवी ट्रांसपेरेंट पैसिवेशन लेयर चाहिए होता है, राइट। सो यूवी ट्रांसपेरेंट पैसिवेशन लेयर चाहिए होता है, जिससे कि यूवी लाइट हमारी चिप तक जाए और इरेज कर पाए मेमोरी को, राइट। सो मेमोरी को इरेज करने के लिए हमें यूवी लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। अब जो पैसिवेशन लेयर है वो ऐसी होनी चाहिए जो यूवी लाइट को पास करवा दे इसके थ्रू, राइट। यूवी लाइट कैन इरेज ईपी रोम मेमोरी, और हमें यूवी लाइट को हमें चिप तक पहुंचाना पड़ेगा, जिसके लिए जो पैसिवेशन लेयर है वो ऐसी यूज करनी पड़ेगी जो यूवी ट्रांसपेरेंट हो। अब यहाँ पर यूवी ट्रांसपेरेंट पैसिवेशन लेयर कौन सी होती है, ऑक्सीनाइट्राइड, SiOxNy, SiOxNy कॉमनली यूज्ड ऑक्सीनाइट्राइड लेयर जो है वो है हमारी यूवी ट्रांसपेरेंट पैसिवेशन लेयर, राइट। इसके लिए हमारी जो सोर्स गैसेस होती हैं SiH4, सिलेन, नाइट्रोजन गैस, N2, अमोनिया गैस, NH3 और N2O लाफिंग गैस। सो SiH4, N2, NH3 और N2O प्लाज्मा और हीट की प्रेजेंस में हमारे पास ये ऑक्सीनाइट्राइड फॉर्म कर देता है SiOxNy।
इसके साथ जो हमारे पास गैसेस फॉर्म करता है वो है वाटर वेपर और N2N सम अदर गैसेस, राइट। जो अभी जो ऑक्सीनाइट्राइड है इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो ऑक्साइड और नाइट्राइड दोनों की प्रॉपर्टीज के इन बिटवीन रहेंगी, राइट। यूवी ट्रांसपेरेंट रहेगा और ये एक अच्छा बैरियर लेयर की तरह एक्ट करेगा। नाउ कमिंग टू द पीएमडी बैरियर लेयर, राइट। पीएमडी बैरियर लेयर के लिए हम फॉस्फोसिलिकेट ग्लास और बोरोफॉस्फोसिलिकेट ग्लास को हम यूज कर सकते हैं, राइट। पीएसजी और बीपीएसजी नीड अ डिफ्यूजन बैरियर लेयर, राइट। अनडोप्ड सिलिकेट ग्लास की हेल्प से हम 1000 एंगस्ट्रॉम की थिक लेयर बैरियर लेयर बना सकते हैं। अगर हम एलपीसीवीडी नाइट्राइड की कर रहे हैं 700 डिग्री सेल्सियस पर, तो हमारे पास जो लेयर आएगी वो 300 एंगस्ट्रॉम थिक आएगी, और पीईसीवीडी कर रहे हैं नाइट्राइड की 550 डिग्री सेल्सियस पर, तो 200 एंगस्ट्रॉम जितनी लेयर आएगी। टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, पीईसीवीडी करते हैं, तो नाइट्राइड की जो फिल्म होगी उसका डेपोजिशन रेट ज्यादा रहेगा, राइट। यहाँ पर लोअर हाइड्रोजन कंसेंट्रेशन रहेगी और बेटर फिल्म क्वालिटी रहेगी, राइट। सो जब हाई टेम्परेचर की तरफ मूव करेंगे और पीसीवीडी को यूज करेंगे, जो नाइट्राइड फिल्म है डेपोजिशन रेट उसका ज्यादा हो जाएगा, तो मतलब उसकी थिकनेस ज्यादा जाएगी नाइट्राइड फिल्म की हायर टेम्परेचर पर, राइट। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी, राइट। सो नाउ, और पीसीवीडी ही कर रहे हैं, ये तो एलपीसीवीडी और पीसीवीडी में कंपैरिजन था, सिर्फ पीसीवीडी करें तो भी टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो डेपोजिशन रेट ज्यादा हो जाएगा, हाइड्रोजन कंसेंट्रेशन कम हो जाएगी और फिल्म की क्वालिटी बेटर हो जाएगी, तो आपको हाई टेम्परेचर वाला नाइट्राइड फिल्म प्रेफर करना पड़ेगा। सो इट इज पॉसिबल इन फ्यूचर, फ्यूचर में हम पॉसिबिलिटी है कि हम पीसीवीडी हायर टेम्परेचर पर यूज कर पाए, रिमोट प्लाज्मा सीवीडी को भी हम यूज कर सकते हैं इन फ्यूचर। नाउ कमिंग टू द डायलैक्ट्रिक एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग, एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग को हम क्यों यूज करते हैं, जिससे कि फोटोलिथोग्राफी जो प्रोसेस है उसके अंदर हमें रेजोल्यूशन अच्छी मिल सके, हाई रेजोल्यूशन चाहिए फोटोलिथोग्राफी प्रोसेस में, तो हमें डायलैक्ट्रिक एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग का प्रोसेस का यूज करना पड़ेगा। एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग एक ऐसी लेयर है जिससे रिफ्लेक्शंस रिड्यूस होते हैं, नाम से ही पता लग रहा है एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग, जो रिफ्लेक्शंस को रिड्यूस करेगी कोटिंग, ऐसी कोटिंग को हम एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग बोलते हैं। अब हमारे पास मेटालिक एआरसी होती है, मेटालिक एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग होती है, जैसे कि टाइटेनियम नाइट्राइड, जिससे हम 30 से 40% तक रिफ्लेक्शंस को रिड्यूस कर सकते हैं। अब नाउ दिस मेटालिक एआरसी इज नो लॉन्गर गुड इनफ फॉर लेस देन 0.25 माइक्रोमीटर फीचर साइज। ये जो मेटालिक एआरसी है, अगर हमारा फीचर साइज 0.25 माइक्रोमीटर से छोटा चला जाएगा तो ये ज्यादा अच्छी नहीं रहेगी। यहाँ पर हम फिर डायलैक्ट्रिक एआरसी लेयर को यूज करते हैं। डायलैक्ट्रिक एआरसी लेयर जैसे कि हम केमिकल वेपर डेपोजिशन से हम उसे फॉर्म कर सकते हैं, या फिर इसे हम स्पिन ऑन फॉर्मेशन कर सकते हैं, स्पिन ऑन ग्लास की तरह इसे फॉर्म कर सकते हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। स्पिन ऑन बिफोर फोटो रेजिस्ट कोटिंग की तरह हम डायलैक्ट्रिक एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग को बना सकते हैं। तो अब आप यहाँ इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास एल्यूमिनियम एलॉय है, यहाँ पर डायलैक्ट्रिक एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग है, और यहाँ से यूवी लाइट आती है। यूवी लाइट आने के बाद यहाँ पर से डायलैक्ट्रिक एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग से हम क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्शंस को रिड्यूस कर रहे हैं, राइट। सो यहाँ पर ये जो हमारा जो इसकी डेप्थ है, डेप्थ जो है वो है टी, और टी को इस तरीके से लेते हैं जिससे कि यहाँ पर जो वेव्स रिफ्लेक्ट हो रही हैं इसमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है, राइट, और फोटो रेजिस्ट में रिफ्लेक्शंस रिड्यूस हो जाती हैं, राइट। सो जो डायलैक्ट्रिक एआरसी है वहां पर हम पीसीवीडी सिलेन प्रोसेस को यूज करते हैं, प्लाज्मा एनहांस केमिकल वेपर डेपोजिशन विद सिलेन को यूज करते हैं, N2O को ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सोर्स की तरह यूज करते हैं। सो SiH4 सिलेन हो गया, N2O को यूज करें, इसके साथ में हीलियम यूज होता है प्लाज्मा की प्रेजेंस में विद हीट, तो यहाँ पर ऑक्सीनाइट्राइड बन जाता है, सिलिकन ऑक्सीनाइट्राइड SiOX NY बन जाता है, इसके साथ H2O N2O NH3 जैसी गैसेस। सो दीज आर द रेफरेंसेज, वेरी अमेजिंग बुक्स विच यू कैन रेफर फॉर योर फर्दर स्टडीज अबाउट दिस टॉपिक। सो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, एंड ऑल्सो गिव मी योर वैल्यूएबल फीडबैक। एंड अगर आपको लगता है कि आपको इसके नोट्स चाहिए, यू कैन गो टू आर मोबाइल ऐप, लिंक इज प्रेजेंट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो,
और मोबाइल ऐप में जाकर आप डाउनलोड कर कर देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट नोट्स फॉर दिस सब्जेक्ट एंड ऑल्सो फॉर अदर सब्जेक्ट्स। सो आप कोर्सेज भी चेकआउट कर सकते हैं एंड डू गिव मी योर फीडबैक अबाउट बोथ ऑफ दीज थिंग्स, वीडियोज एज वेल एज मोबाइल ऐप टू। आई विल वेट फॉर योर फीडबैक एंड आई विल वेट फॉर यू टू मीट मी सोन द नेक्स्ट क्लास वेयर विल बी डिस्कसिंग अबाउट द नेक्स्ट प्रोसेसेस। So I hope you are going to meet me soon. Bye bye. Take care. Thank you.